सीट शेयरिंग का फॉर्मूला फेल, टूटने की खगार पर महाविकास अघाड़ी। राहुल गांधी के गुस्से ने महाविकास अघाड़ी में मचाई खलबली। महाविकास अघाड़ी ने सपा को दिया धोखा, AIMIM से किया किनारा। क्या महाराष्ट्र में राहुल उद्धव को झटका देंगे मुसलमान? नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। महाराष्ट्र में चुनाव के बीच लगातार ऐसी खबरें सामने आ रही है जो कि महाविकास अघाड़ी की टेंशन बढ़ाते हुए दिखाई दे रही है। इस बीच अब महाविकास अघाड़ी में टूटने की जो खबर है वो भी सामने आई है। कहा जा रहा है कि राहुल गांधी के गुस्से के बाद कांग्रेस ने ऐसा कदम उठाया जिससे महाविकास अघाड़ी में खलबली मच गई है। महाविकास अघाड़ी में कांग्रेस ने 99 सीटों पर उम्मीदवार उतार दिए हैं। इससे शरद पवार और उद्धव ठाकरे की टेंशन बढ़ चुकी है। तो वहीं दूसरी ओर आपको बता दें कि जिस तरीके से महाविकास अघाड़ी ने पहले असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM से किनारा किया, उसके बाद महाविकास अघाड़ी में अखिलेश यादव की पार्टी सपा को शामिल करते हुए भी उन्हें धोखा दिया, तो इसके बाद कहा ये जा रहा है कि जो मुस्लिम वोट बैंक है वो महाविकास अघाड़ी से खिसक सकता है और इनका जो एकमुश्त वोट है वो सपा और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के साथ बट सकता है। अब ऐसे में संजय राउत का भी बयान सामने आया है जहां पर उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। दरअसल आपको बता दें कि आज संजय राउत ने कहा कि अगर कांग्रेस कोई स्टैंड लेना चाहती है तो उसे दिल्ली से मंजूरी लेनी होगी। अगर दिल्ली वाले अपनी मंजूरी नहीं देते तो महाराष्ट्र में कांग्रेस के नेता वो स्टैंड नहीं लेंगे। लेकिन शिवसेना ये घोषणा करते हुए स्टैंड ले सकती है कि उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र का चेहरा है। अगर मैंने ये कह दिया तो बस कह दिया है। आपको बता दें दरअसल महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में महाविकास अघाड़ी में शामिल एनसीपी शरद गुट, कांग्रेस और शिवसेना उद्धव गुट सबको मुस्लिम वोट की दरकार है, लेकिन मुसलमानों के हित की बात करने वाली AIMIM को बीजेपी की बी टीम बता करके पहले ही गठबंधन में नहीं लिया गया। तो वहीं दूसरी ओर समाजवादी पार्टी को साथ रख करके धोखा दिया गया। ऐसे में महाराष्ट्र में मुस्लिम मतदाताओं के प्रभावित होने की संभावना बढ़ चुकी है। बता दें कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी 5 सीटों पर दावा कर रही थी, लेकिन कांग्रेस और शिवसेना ने मिलकर इनमें से 3 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं, जिसके बाद कांग्रेस और समाजवादी पार्टी महाराष्ट्र में आमने सामने हो गई है। वहीं महाराष्ट्र में सपा के अध्यक्ष अबू आजमी ने साफ तौर से कह दिया है कि समाजवादी पार्टी अब पीछे हटने वाली नहीं है। उन्होंने कहा है कि हमने पहले ही कहा था कि 5 सीट नहीं मिली तो हम 25 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, यानी कि सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी ने महाविकास अघाड़ी को अल्टीमेटम दे रखा है। तो वहीं ये सीटों का बंटवारा तो इलेक्शन के अनाउंसमेंट के पहले हो जाना चाहिए। जब पहले से महाविकास अघाड़ी बनी हुई है, इंडिया अलायंस बनी हुई है, तो फिर कन्फ्यूजन किस बात का। लेकिन हमारा आपस में अगर सीटों की खींचातानी होगी, मैं समझता हूँ ये बिल्कुल ठीक नहीं है। हमें भी शामिल किया गया है महाविकास अघाड़ी में, लेकिन अभी तक हमारी कोई सीट की बातचीत नहीं हुई है। आदरणीय शरद पवार साहब ने कल दोपहर तक मुझे बताया है कि मैं कल बताऊंगा आपको क्या करना है। मैंने 5 सीटें अनाउंस किया है और 5 सीटें ऐसी हैं जो कि मैं ही चुन के आ सकता हूं, या तो फिर हमारी जो अपोजिट पार्टी है वही चुन के आ सकती है। ये 5 सीटें मुझे देनी चाहिए उनको, मैं इंतजार करूंगा। देखिए, मैं कभी भी वोटों का बंटवारा नहीं चाहता हूं। मैं कभी नहीं चाहता हूं कि हम सीटों के लिए वहां महाविकास अघाड़ी में कोई दरार पैदा करें। लेकिन जो लोग यहां सीटें देने वाले हैं वो अगर नहीं चाहेंगे कि भाई समाजवादी को नहीं लेना, जैसे पहले भी 2-3 इलेक्शन में ऐसे ही हुआ है, तो फिर मैं मजबूर हूंगा और मैं 20-25 सीट फिर लड़ाऊंगा। फिर आगे अल्लाह मालिक जो होगा देखा जाएगा। मुझे वजह पता है, शिवसेना जो उद्धव साहब की है उसमें और कांग्रेस में कुछ सीटों को लेकर के रोजाना जो है बातचीत चल रही है, चर्चा हो रही है, लेकिन वो फाइनल नहीं हो रहा है। देखिए क्या होगा, अभी अगर जिसको टिकट नहीं मिलेगा कोई मजबूत आदमी होगा तो मैं उसको भी ले सकता हूँ। जब मुझे नहीं दिया जाए तो क्या करूँगा। मैं हमेशा कहता हूँ ना, किसी का हृदय जब कोई तोड़ दे, तड़पता हुआ जब कोई छोड़ दे, तब तुम मेरे पास आना प्रिय, मेरा घर खुला है, मेरा दर खुला है, खुला ही रहेगा।
वहीं दूसरी ओर न सिर्फ ये अबू आजमी की ओर से कहा गया है बल्कि अखिलेश यादव भी महाविकास अघाड़ी के इस रवैये से काफी ज्यादा नाराज दिखाई दे रहे हैं और कहीं ना कहीं जो शिवसेना उद्धव गुट की टक्कर तो थी ही लेकिन अब ये सीधे तौर पर टक्कर कांग्रेस और समाजवादी के पार्टी के बीच में भी दिखाई दे रही है। बता दें कि महाराष्ट्र चुनाव में सीट शेयरिंग को लेकर के कांग्रेस उद्धव गुट वाली शिवसेना और शरद पवार वाली एनसीपी में मामला उलझा हुआ है। महाविकास अघाड़ी के भीतर सीट बंटवारे वाला फॉर्मूला अब तक अबूझ पहेली बना हुआ है। अभी तक यही तय नहीं हो पाया है कि महाविकास अघाड़ी में कौन कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगा। इस बीच महाविकास अघाड़ी में कांग्रेस ने बड़ा भाई वाला दाव चल दिया है। पहले उसका ना तो 85-85 वाला फॉर्मूला चला और ना ही अब 95 वाला फॉर्मूला तय हो पाया है। अब कांग्रेस ने 99 सीटों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। महाविकास अघाड़ी में सीट शेयरिंग को लेकर जारी माथा पच्ची को देख कर खुद राहुल गांधी भी पक चुके हैं और यही वजह है कि जब कांग्रेस की मीटिंग हुई तो वहां पर राहुल गांधी को गुस्से में देखा गया। बता दें कि सूत्रों का दावा है कि महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी के भीतर सीट बंटवारे से कांग्रेस नेता राहुल गांधी काफी ज्यादा नाराज हैं। महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी के नेता अब तक सीटों को लेकर अपना स्टैंड क्लियर नहीं कर पाए हैं और यही वजह है कि कांग्रेस की मीटिंग बीच में ही छोड़ करके राहुल गांधी चल दिए। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव को लेकर के कांग्रेस ने 95 वाला फॉर्मूला तो छोड़ अब तक 99 सीटों पर उम्मीदवार उतार दिए हैं जबकि अब तक उद्धव गुट वाली शिवसेना 87 तो शरद पवार वाली गुट की एनसीपी ने 76 सीटों पर ही अपने उम्मीदवार उतारे हैं। सूत्रों का कहना है कि अभी तक तीनों दलों में 85-85 सीटों वाला फॉर्मूला ही तय था। अब 85-85 वाले फॉर्मूले को छोड़ करके कांग्रेस काफी ज्यादा आगे निकल चुकी है और अब 99 सीटों पर उसने अपने उम्मीदवार मैदान में उतार दिए हैं। ऐसे में शरद पवार वाली एनसीपी और उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना की टेंशन बढ़ गई है। कांग्रेस के इस दाव से उन दोनों की उलझन भी काफी ज्यादा बढ़ गई है। अब जब कांग्रेस के 99 सीटों पर उम्मीदवार उतर चुके हैं तो ऐसे में शिवसेना उद्धव गुट और एनसीपी शरद पवार को 95-95 सीटों पर ही संतोष करना पड़ेगा। कांग्रेस ने जिस तरीके से अपने सीटें 99 छेक ली है ऐसे में ऐसा लगता है कि महाविकास अघाड़ी में कांग्रेस ही बड़ा भाई बन रहा है। यानी कि जो राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस पार्टी की छवि है उसे मेंटेन करने की यहां पर कोशिश की जा रही है और महाविकास अघाड़ी में सबसे बड़ा दल बनने की कोशिश कांग्रेस पार्टी की हो रही है जिसकी वजह से उन्होंने पहले ही 99 सीटें छेक लिए हैं, 99 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में कुल 288 विधानसभा सीटें हैं। एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली महायुति सरकार इस वक्त सत्ता में है। महाराष्ट्र में सभी सीटों के लिए एक चरण में यानी कि 20 नवंबर को वोटिंग होनी है। महाराष्ट्र चुनाव के रिजल्ट 23 नवंबर को घोषित किए जाएंगे लेकिन फिलहाल चुनाव की डेट तो सामने आ गई है। इसके अलावा नामांकन की तारीख भी सामने आई है। कई सारे कैंडिडेट अपना नामांकन भी कर चुके हैं लेकिन अगर हम महाविकास अघाड़ी की बात करें तो अभी तक इनके सीट शेयरिंग को लेकर के मामला इतना ज्यादा फंसा हुआ है कि अब राहुल गांधी भी काफी ज्यादा नाराज बताए जा रहे हैं और जिस तरीके से सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय किया गया था इन तीनों दलों की ओर से महाविकास अघाड़ी में 85-85 सीटों का यह पूरी तरीके से फ्लॉप हो चुका है और यही वजह है कि राहुल गांधी नाराज हो चुके हैं। उधर अखिलेश यादव भी नाराज बताए जा रहे हैं क्योंकि उनको महाविकास अघाड़ी में कोई अहमियत ही नहीं दी जा रही है, कोई जगह ही नहीं दी जा रही है और इसी वजह से कहा जा रहा है कि सिर्फ महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी ही टूट के कगार पर नहीं है बल्कि जिस तरीके से अखिलेश यादव को दरकिनार किया जा रहा है इससे पूरी की पूरी इंडिया अलायंस में भी आप टूट मचती हुई दिखाई दे रही है। क्योंकि अब पहले ही अगर हम देखें तो न सिर्फ हरियाणा में कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ रही थी, जम्मू कश्मीर में भी कंडीशन यही देखने को मिली थी कि उमर अब्दुल्ला की नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ मिलकर के कांग्रेस ने भले ही चुनाव लड़ा हो लेकिन चुनाव जीतने के बाद कैसे उमर अब्दुल्ला ने एक भी मंत्रिमंडल में उन्हें जगह नहीं दी है, कांग्रेस के किसी भी सदस्य को शामिल नहीं किया गया और अब जिस तरीके से महाराष्ट्र में कांग्रेस भले ही बड़ा भाई वाला दाव चल रही हो लेकिन ये दाव भी उनका फ्लॉप साबित होता हुआ दिखाई दे रहा है और पूरी तरीके से महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी अब उलझी हुई दिखाई दे रही है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है हमारे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।